बैटर्स हो, बॉलर्स हो, या इवन ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में इंडियन प्लेयर्स ही छाए हुए हैं। शुरुआत करते हैं बॉलिंग से, तो बॉलर से स्टार्ट करते हैं और नंबर वन पे हैं अश्विन, और नो सरप्राइज देयर, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी इनिंग में 6 खिलाड़ियों को आउट किया और इस पोजीशन पर जम गए हैं। दूसरे नंबर पे द वन एंड द ओनली जसप्रीत बुमराह, ये तो हम टेस्ट रैंकिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई एक खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप की विक्ट्री का क्रेडिट ले सकता है तो दैट इज बुमराह। जब जब हिंदुस्तान को इस वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम हुई है, बुमराह आए हैं और उन्होंने बचाया है, उन्होंने निकाला है। हिस्सो यूनिक, हिस्सो टैलेंटेड, वही फॉर्म वो अपनी टेस्ट क्रिकेट में भी लेकर आए और वो दूसरे नंबर पे हैं। छठे नंबर पर इंडिया का एक और प्लेयर है जो कि है रविंद्र जडेजा, और अगेन जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग कराई थी वो ये पोजीशन डिजर्व करते हैं। उनका सिर्फ एक ही बॉलर इस लिस्ट में शामिल है एंड दैट इज शाहीन शाह आफरीदी, जिनकी करंट परफॉर्मेंस देखकर अब तो जरा थोड़ा टेंशन ही होती है कि वो इससे भी नीचे ना चले जाएं कहीं। अब आ जाते हैं जल्दी से ऑलराउंडर्स की तरफ, एंड नो सरप्राइज देयर अगेन, रविंद्र जडेजा नंबर वन पर हैं इस इंडियन टीम में। उनकी एज ऑलराउंडर बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है, विद द बैट विद द बॉल हर चीज में वो परफॉर्म करते हैं। दूसरे नंबर पर अश्विन है, अगेन इन दोनों ने जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ खेला है, 144/6 के बाद इनकी 199 रन की पार्टनरशिप लगी, तभी वहां से वो बेस बनी जीत की, और बड़ा अहम किरदार रहा इन दोनों का जीत के लिए। तो दैट्स वाई ऑलराउंडर्स की रैंकिंग पे वन और टू इनकी पोजीशन है। छठे नंबर पर अक्षर पटेल हैं, और हम सबको पता है कि वो कितने यूजफुल हैं, कितने यूटिलिटी क्रिकेटर हैं। बैटिंग की बात करें तो यहाँ नंबर वन पे जो रूट है, और इंडियन तीन खिलाड़ी हैं, पांचवें नंबर पे जयसवाल हैं, 10वें नंबर पे रोहित शर्मा है, लेकिन छठे नंबर पर वो बंदा है जिसने 20 माह के बाद, तकरीबन 700 दिन के बाद कमबैक किया। पहली इनिंग में 39 किए, दूसरी इनिंग में सेंचुरी जड़ दी। तो पंत जो है वो बड़े स्ट्रांग हैं, और अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी आया है पैट कमिंस की तरफ से कि पंत से बड़ा खतरा लगता है उनको इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज है उसके लिए। तो पंत जो है वो काफी डेंजरस हैं, और वो अपनी जगह इस बैटर्स की रैंकिंग में छठे नंबर पर बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है वो। दो चीजों के ऊपर भारतीय खिलाड़ियों का ही आपसी में मुकाबला है, एक आप बॉलिंग टेस्ट बॉलिंग के अंदर रैंकिंग का देख ले या ऑलराउंडर में देख ले, लेकिन दोनों में मुकाबलों में एक नाम है, वो है रविचंद अश्विन। और दूसरी खास बात कि आप सब जानते हैं कि जब इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया सीरीज खेला था फेब की ही बात है, तो वो वाहिद बॉलर बने थे या पहले बॉलर बने थे जसप्रीत बुमराह, जो इंडियन फास्ट बॉलर हैं और ICC रैंकिंग में नंबर वन पोजीशन उन्होंने हासिल की थी। इससे पहले कपिल देव थे जो नंबर टू पे रहे हैं, और जहीर खान नंबर थ्री पे रहे हैं। ये मैक्सिमम था इंडियन फास्ट बॉलर के अचीवमेंट में। और अब फिर बुमराह जो हैं वो नंबर टू पर हैं, रविचंद अश्विन जो हैं वो नंबर वन के ऊपर हैं, और सेम कॉम्पिटिशन चल रहा है अश्विन का जडेजा के साथ। ऑलराउंडर कॉम्पिटिशन में आप देखें तो जडेजा नंबर वन के ऊपर हैं और अश्विन नंबर टू के ऊपर हैं, मगर फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तानी सिर्फ एक बॉलर है जो टॉप टेन में है, वो है शाहीन शाह आफरीदी, जो कि 10वें नंबर के ऊपर आते हैं। मगर उस बीच में जो बॉलर गुजर जाते हैं आप देख लीजिए, तीन भारतीय बॉलर आते हैं एक्चुअल में ICC टॉप 10 रैंकिंग में, क्योंकि जडेजा जो है वो छठे नंबर के ऊपर हैं। उसके अलावा देख लीजिए, फर्स्ट नंबर पे अश्विन है, नंबर टू पे जसप्रीत बुमराह है, नंबर थ्री पे जॉस हेजलवुड है, नंबर चार पर पैट कमिंस हैं, नंबर पाँच पे रबादा हैं, नंबर छः पे जडेजा हैं, नंबर सात पे नाथन लॉयन हैं। ऑस्ट्रेलिया के तीन आते हैं प्रभात जयसूर्या है, कायल जेमिसन है 9वें नंबर के ऊपर, और शाहीन शाह आफरीदी जो हैं वो 10वें नंबर पे आते हैं। जबकि ऑलराउंडर में ऑफकोर्स पाकिस्तान का पास ऑलराउंडर है नहीं, और टेस्ट के अंदर मतलब बिल्कुल ही नहीं है, वो वाइट बॉल में हैं बट उनकी भी रैंकिंग कुछ खास नहीं है, बट टेस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं है। नंबर वन पे जडेजा हैं टेस्ट ऑलराउंडर की अगर बात करें तो, नंबर टू पे अश्विन है, नंबर थ्री पे शाकिबुल हसन हैं, जॉय रूट हैं, जैसन होल्डर हैं यानी 5वें नंबर पे, और अक्षर पटेल छठे नंबर पर हैं, 7वें पे मेहदी हसन मेराज हैं, 8वें पे बेन स्टोक हैं, 9th पे पैट कमिंस एज ए ऑलराउंडर हैं, और 10th पे क्रिस वॉक्स हैं। और आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे इसका मतलब ये हुआ कि हमारी टेल में जो बैटिंग करने आते हैं तब भी वो एज ए बैटर कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि मतलब देखें, पैट कमिंस का है, क्रिस वॉक्स का है, गच्चे पैट कमिंस अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, बट पाकिस्तान के भी एक दो बॉलर हैं जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, मगर उनका रैंकिंग में नहीं है। तो कुल मिला के रैंकिंग के ऊपर फिलहाल भारत का कब्ज़ा है, और आप ओवरऑल भी देखें तो, अगर आप ओवरऑल भी देखें तब भी आप इससे कह सकते हैं कि मतलब टीम वाइज भी देखें तब भी भारत का अच्छा खासा इसके ऊपर कब्जा है। और दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, भारतीय पावर में आपका स्वागत है।
दोस्तों आईसीसी टेस्ट रैंकिंग आ गई है और उसको लेके जो पाकिस्तानी मीडिया है और पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं वो बहुत बात कर रहे हैं, और इसका रीज़न ये है कि उस रैंकिंग में जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उनको कोई जगह नहीं मिली है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो आप देखेंगे कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में दबदबा बना के रखे हुए हैं। अब चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो या ऑलराउंडरों की कैटेगरी हो, उन सब में इंडियन प्लेयर जो हैं वो लाइन से टॉप ऑर्डर में हैं। आप अगर बैटिंग में देखें तो यशस्वी जायसवाल जो है 5वें नंबर पर है, पंत है, इसके बाद 10वें नंबर पे रोहित शर्मा है, और बॉलरों की रैंकिंग देखी जाए तो पहले पे अश्विन है, तो दूसरे पे बुमराह है और 7वें पे रविंद्र जडेजा है। तो बॉलिंग में भी इनका दबदबा है, ऑलराउंडर की रैंकिंग में नंबर 1 पे है, अश्विन नंबर 2 पे है। तो दोस्तों इन सारी जो रैंकिंग आई हुई है इन सबको देखने के बाद यही समझ में आ रहा है कि इंडिया का जो डोमिनेशन है टेस्ट में, आपको पता है कि भारत लगभग 4000 दिन से ज़्यादा हो गया है और अपने ज़मीन पर नहीं हारा है। इंडियन टीम अभी बांग्लादेश के बाद न्यूजीलैंड से खेलेगी, इसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने जा रही है। तो 10 साल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, तो उधर भी जैसे भारत के अंदर जीत रहे हैं, भारत के बाहर जीत रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर जीत रहे हैं, जो सेना कंट्री हैं उनको हरा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि जो डोमिनेशन इंडियन टीम का वो बहुत ज़बरदस्त है और ये आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है। इसका रीज़न ये है कि जो इंडियन यूथ है, जो यंग प्लेयर है, वो उनकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आप वीडियो देखिए, इन्जॉय करिए, धन्यवाद। हाँ जी, तो जायसवाल पहले इनिंग में 50 किया था और इंग्लैंड के खिलाफ भी इतने ज़्यादा बेतहाशा रन्स करता हुआ आ रहा है, तो बहुत बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस उसने दिखाई है और एक दर्जे उसकी तरक्की हुई है। छठे नंबर पे था तो 5वें नंबर पे चला गया। जायसवाल कोई जैसे रन्स कर रहा है तो सरप्राइज कोई भी नहीं होगा कि अगर ये मजीद ऊपर जाते 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 टॉप के नंबरों पर चले जाएँ। अभी इनके 751 रेटिंग पॉइंट्स हैं और ये इनके करियर के सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट्स हैं, मतलब इससे ज़्यादा अच्छे इन्होंने अचीव नहीं किए और आगे ऊपर की तरफ जो ग्राफ है वो चल रहा है, मुसलसल चल रहा है। 16 बारियों में 1000 रन्स किए थे और इंग्लैंड के खिलाफ तो ऐसे रन्स किए थे ऐसे के बस लूट लिया था मेला, छक्के भी इतने मारे और कमाल की इस बंदे की एंट्री हुई है टेस्ट क्रिकेट में खास करके, एंड ही इज़ अमेजिंग और हर किसी को इम्प्रेस किए हुए है। इस मैच में भी दोनों दफ़ा वैसे पीछे ही आउट हुआ स्लिप पे, लेकिन पहली इनिंग में बहुत अच्छा खेल के गया था, दूसरी इनिंग में भी चौके शौके कुछ मारे, तो दिस गाय स्पेशल और ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है। ऋषभ पंत नंबर 6 पे है, लेकिन देखिए उसका ये मैच तकरीबन 2.5 साल के बाद उसने ये मैच खेला था, है कि नहीं, 2.5 साल के बाद उसका ये मैच था, लेकिन फिर भी वो टॉप 10 में था। इट शोज द क्वालिटी ऑफ द मैन कि बल्ले से उसने इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई हुई हैं, वरना आपको पता है ना कि अगर आप मैचेस नहीं खेलते अपनी टीम की तरफ से तो आपकी रैंकिंग वैसे भी डाउन होती रहती है। अगर आप तो खैर पंत इज देयर और पंत का जो जलवा है वो हमने कई बार देखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन शानदार बात है। हाँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली ये नीचे गए हैं टॉप 10 से, विराट कोहली तो बाहर, विराट कोहली अब 12वें नंबर पे है और रोहित शर्मा अभी 5 नंबर नीचे आया और 10वें नंबर पे मौजूद है, क्योंकि दोनों का ही मैच अच्छा नहीं गया, रोहित शर्मा भी कुछ नहीं खास कर पाया, विराट कोहली भी कुछ नहीं, तो 5-5 दर्जे दोनों की तंजली हुई है। तरक्की ऊपर को जाने को बोलते हैं, तंजली नीचे को आने को बोलते हैं। तो डिमोट हुए 12वें नंबर पे विराट कोहली, गिल 5 दर्जे ऊपर गया, 19 पे था तो अब 14वें नंबर पे आ गया। तो जडेजा की अगर बात करें, हम ऑलराउंडर्स कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जडेजा पहले भी इस मैच से पहले भी पहले नंबर पे ही था और अभी भी वो पहले नंबर पे ही है, लेकिन जो उसके रेटिंग पॉइंट्स हैं वो आप उसके करियर बेस्ट रेटिंग पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, 475 को कभी पहले नहीं छुआ और जब से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है ये उसका बेस्ट एवर है।